पता नहीं भाई कद को पंडा छूटेगा। रात दिन चूल्हे पे रहना पड़ा लगा, पता नहीं लोंडे का ना तो कोई रिश्ता, लोंडे का ब्याह हो जा मारा भी पंड छूट जा, ना कोई रिश्ते वाला रहा। हमें तो नू लगा हमारी पूरी जिंदगी चूल्हे पे गुजरेगी भाई। पता नहीं ऊपर वाला भाई मारी सुन नहीं रहा, ऊपर वाला एक बार मारी सुन ले इसका ब्याह हो जा मारा पीछा छूट जा, हमें भी जन्नत प्राप्त हो जाएगी। अरे अब्बा क्या टेंशन सी हो रही है? अरे टेंशन की तो बात है भाई, जब तू पैदा हुआ तेरी माँ तो तुझे छोड़ के चली गई, पहले तुझे बड़ा करा फिर तेरी लैट्रिन बाथरूम का ख्याल, अब बुढ़ापा आ गया मुझे, अब ये तेरे टिकट पड़ने तो मेरे बस की है नहीं, तेरा ब्याह हो जाता मुझे सुकून आ जाता, तेरी बहू आ जाती वगैरह का देखभाल कर लेती। बाबा एक बात बता, ये ब्याह तो हो जा, मैं तो थर ज्यादा परेशान हूँ, मेरे पे भी जोर पड़ा है अब्बा, ये मैं घर का काम करूँ या कंपनी में जाऊँ? ये बाबा कहीं वो पेट पर तो लगने रही जिम से तोड़ के लिया हूँ, ये बाबा कोई रिश्ता वाला आवे जी भी तो कुछ भी आ गया हुआ ना, कोई रिश्ता वाला आ रहा बता अब्बा कहाँ चलाऊँ। बहू अब बात ज्यादा बढ़ गई, अब तो तेरे रिश्ते का मुझे देखना पड़ेगा कुछ। चलो भाई देखो कहीं तेरे रिश्ते की बात करूंगा, अब बुढ़ापा मारे पास तो टिकट पुत्ते नहीं है, चले भाई देख। ये तो भाई टेंशन की बात हो रही, मेरे पे भी जोर पड़े मेरा अब्बा काम करे, मेरे अब्बा की उम्र थोड़ी है काम करने की, केड़ा काम जुड़ गया, ऊपर ला खोल लगा कोई रास्ता। बड़े भैया क्या बात, कैसे टेंशन से बैठे हैं? अरे आ जा बैठ जा भाई, टेंशन की तो बात है ही। क्या हुआ भाई? एक तो खाना बनाना पड़ा चूल्हे पे, लमडे की माँ पहले ही गुजर गई थी और उसके रिश्ते नाते कहीं बात नहीं चल रही, मारे दोरा एक रिश्ता भाई, थारे दोरा रिश्ता तो रिश्ते की बात करो, थारा आसान हो जाएगा यार। नौनिया शहर की? कोई नहीं शहर की भी चल जाएगी, मेरा तो पीछा छूटेगा रोटी पौने तक, बात करो उनसे, कुछ नहीं चाहता लड़के का शादी हो जा, दहेज वेज कुछ नहीं चाहता। कोई बात नहीं रिश्ता पक्का तुम्हारा, रिश्ते की बात कर लियो भाई तुम। बस ठीक है भाई, ऊपर वाला सुन ला भाई, हमारी भी कुछ परेशानी से हट जाएगी, इस लोंडे का ब्याह हो जाएगा हम भी अपना चैन तरेंगे भाई। अरे अब्बा क्या बात बार की बैठा? बस भाई बैठा था घर में अकेला था इसलिए यहाँ बैठ गया, घर में कोई है ही नहीं, सुनना सुनना सा पड़ा था, मैंने सोचा चला जा बैरी बैठ लू। अब्बा काम पर जाना ही पड़ेगा। नहीं वो बात तो सही है भाई, वो आया था इरशाद और जो है रिश्ते के बारे में कहता, वो कह रहा लड़की शहर की है। देख ला अब्बा शहर की ऐसी हो। अरे सब हो जा अपने तय है सब कुछ, जब सही तरीके से रखेंगे हम तो कुछ परेशानी नहीं आ जाएगी। देख ला अब्बा शहर की लड़की करके निकल। कोई बात नहीं, हमें देसी आदमी। बेटा वो बात तो सही है, अब तुझे पता घर में कोई है नहीं, परिवार में कोई है नहीं, परेशानी नहीं ज्यादा मुझे रहे, खाना वाना बन जाएगा, मेरी भी टेंशन से हट जाएगी, बस कर ले भैया और क्या। ठीक है अब्बा जैसी आपकी मर्जी। ठीक है फाइनल करो रिश्ते की बात, आओ तो चलो अंदर चलो। अरे जल्दी कर अगले के बैरक के भी जाना, बालों में कंघा काट जल्दी से। अब्बा होने तो लग रहा, ले शीशा भी मैं ही दिखा दूंगा बेटे आज तुझे। अरे अब्बा तुम्हें पता शहर में जाना, शहर की बुआ ठीक ठाक होकर जाना पड़ेगा। ठीक होगा जाने को मना थोड़ी कर रहे हम। अरे अब्बा कपड़े ढंग के पहले बेइज्जती करवाओगेगा वहां? अरे बेटा मुझे कौन देखा, देखागा तुझे, बहू तुझे लानी है कि मुझे लानी? अरे अब्बा बहू तो मुझे लानी। अरे अब्बा कुछ इज्जत बेइज्जती ख्याल होगा नहीं, कुछ तो हम वैसे देसी गवारे कुछ मरे गए तो कोट पैंट पर पैर का चलू क्या? रिश्ता ना तो देख बड़ा करता अब्बा। अरे बहू आ जाएगी तू देरी ना कर, जल्दी कर तैयारी कर जल्दी। ला अब्बा हो गया तैयार, देखिए अब्बा कैसा लग रहा हमें? हाँ ठीक लग रहा, जूते उत्ते तो पैर ले, तो पकड़ कंगा हिस्सा और चल चल। ठीक है बेटे अब तुम आराम करो, इतना में पैर कुछ काम देगा। ये घर किसका है? ये घर किसका? अरे हमारा घर का और किसका होता,
तुम्हारा वो बिचोली तेन कह रहे तुम्हारा कोठी बंगले। अरे हमारे लिए कोठी है बंगला, इतनी सारी बात ना बता रहा, तुझे कोठी से कम दिख रहा है। हाँ कोठी नहीं मैल गुजरे, और यहाँ कौन सो है? यहाँ मेरा अब्बा सोवे, अरे यहाँ मैं सो। और मैं कहाँ जाऊंगी? और तू भी यहीं सोवेगी, और तू कहाँ जाती? मैंने रहने की ऐसे ना मेरा काम चलने का, मुझे ना ऐसी जगह सोने की आदत है। अरे हमारी सात पिड्डी सो रही यहाँ से। मैंने सात पिड्डी का ठेका उठाया, यहाँ सोऊंगी झोपड़े में। हमारे बाबा परदादा सब यहीं सो लिए, 70 आदमी खानदान है हमारा। 60 हो या 70 मेरे बस की ना रहना, अगर मुझे बताते ना मैं ना करूंगी शादी वादी। अरे अम्मी ने कह देते तो शादी, मैंने अपना अब पहले कहा था शहर की लड़की तो शादी ना करिए। तो क्यों करी? बोला था किसी ने या हम कहना है थे? हम कह देते घर कहने तो बारे शादी कराना ये तमने तो भेजा कोई या ऐसी आ गई आकाशवाणी आई थी वहां लुंडा ब्याह कर लो। अरे मेरे अब्बा ने मेरी किस्मत फोड़ दी। तू संभाल ले जाके यहाँ, किस्मत तेरी ना फूटी मेरी फूट गई। दिमाग ठंडा कर ले, मैं तेरे नाम कुछ खाने दलाऊंगा तुम्हें, परेशान ना हो। खाना भी ऐसी आगे जैसा कर, चिंता ना कर, हरी ऐसी सूद बिठा कर छोड़ दूंगी तेरे बाप को चपरासी, और तुझे नौकर बना कर छोड़ दूंगी, और टांग पर टांग धर कर सोऊंगी। अरे अब्बा तुम्हें मैंने पहले समझा सर की बहू ना लावे, छोड़ दी किस्मत, अब तू बता लेगी बात, टूटा फूटा कर फलाना है। अरे कह रही चे तो तेरा अब्बा सोगा चाहे मैं ही सोमी। हाँ अरे तुम सोने के ऊपर रेड ना करो भाई, मैं तो छप्पर पड़ जाऊं मैं इसमें। अब्बा तुम एक बात बताओ, तुम छप्पर में सोते बड़े लगोगे क्या? तुमने पाड़ पोस कम जितना बड़ा कर दिया, इतनी मेहनत तुमने मेरे साथ में करी, और आज मैं बड़ा हो गया है, और आज ये लो बता गई। तुम्हें मैंने पहले कहा शहर की बोने लाओ, ये शहर की बहू ऐसी हो। बेटे नवी ताजी बात है, सारा काम सही हो जाएगा, अभी नवी नवीली बहू है, समझ में आ जाएगी सारी। बेटा तू अभी बालक है, तुझे कुछ नहीं पता, ये तो हमारे घर की बात है, मैं तो छप्पर में रह लूंगा, तुम क्यों दिक्कत मान रहे? देख लो अब्बा मैं तो सारी बात गेरी नहीं, ना गेरूंगा अब क्या, ठीक है अब्बा, मैं कुछ खाने पीने का सामान लूंगी तुम्हें। ठीक है, मेरा लड़का सही कह रहा था कि अब्बा शहर की बहू ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। कैडा काम जुड़ गया, कोई बात नहीं देखी जाएगी भाई। थोड़ी सी फर्क बोल रहे कुछ खाने के लिए। अरे खाने के लगता मेरी गैल तो चाड़ा हो गया। अब क्या होगा? अरे कहाँ के शहर में भी आने गए, मारी तो सूसरी जेब कट गई, सारे पैसे लिए कट गए। मैं तो वहां दुकान में जाकर देखा, मर जेब में देखिए पीछे ना पाया। मारने क्यों बना रहा, मना ही कर देता, कुछ खाने के लिए ना आया, पेट में आत नहीं और मुंह में दांत नहीं, अब ब्याह करन चला, चल यहां से। तू लाओगा मेरे नाम का खाने को? इल्जाम ना लगावे, हम फ्रोडी आदमी ना, हम सच्चे सीधे आदमी काम के, ऐसी बात ना बतावे। मारे सोचे पैसे कट गए, तो हमारे अब बता पूछ लिए तो निकल आता भी ज्यादा पहले, तो दिक्कत ना मानना। मैं देखो घर में नमकीन बमकीन दरी होगी, ये भी जस्ते काम चला लिए, कड़की देखी जाके। अच्छा पूरी रात में नमकीन बिस्कुट मेरी मम्मी कड़की काम भी जमा लिया, मैं पैसे काम नहीं करता, कुमत नहीं गया मैं। मैंने सत्य तारे नमकीन बिस्कुट रख ले डिब्बे में, सुबह को काम आ जाएगा नाश्ते में। अरे खा लो तो घबराओ ना लड़े ना, रात रात तू थमास तो राख, कल को जो कह गए वही ला दूंगा। जैसे ही भागे ऐसे सुबह को आ जाएंगे। ऐसा है हमें जाना कल को काम पे, पर वो मैं सुन दे मारे अब बने भी किस्मत ही फोड़ दी सारी बहू ला के, तुझे तो कोई फिक्र है नहीं। उठो, ड्यूटी नहीं जाना क्या?
अरे 9 बज गए। और चलो मेरे लिए कॉफी लाओ बना के। कॉफी? अरे मुझे ड्यूटी जाना, 9 बज गए, 10 बजे ऑफिस पहुंचना मुझे। रात भी भूखी सो गई थी और अब भी कॉफी नहीं ला रहे हो, मुझे देर हो रही है। अरे सुबह सुबह की कलेश कर रही, मेरा आप बना देगा कॉफी तेरे लियो, ये तो खुद बना लिए। मुझे नहीं पता मुझे कॉफी से मतलब है, आप बनाओ या अब्बा बनाए। मुझे ऑफिस आज बगैर खाओ भी जाना पड़ेगा। जब 9 बजे उठोगे तो ऐसे ही होगा, सुबह उठ के खाना बनाया करो ना। ठीक है अब मैं ऑफिस जा रहा, ये तो खुद बना लियो या अब्बा बना देगा। ठीक है मेरे बस की ना खाना वाना बनाना। क्या बात बेटी, क्यों बैठे चायवाड़ी में? अरे अब्बा मेरे पे कहाँ है खाना बनाना, ना चाय बनानी आती, खुद बना लो, वो भी ऐसी चले गए। ठीक है बेटी अब लो बनाते हुए आए, आगे भी बना लेंगे और मैं तेरे लिए चाय बना के लाता हूँ बेटी, धीरे धीरे सब सीख लेंगे, कोई गैर नहीं है। और मैं भी गैर नहीं हूँ, मैं बेटी तेरा बाप हूँ, चलो मैं बना रहा हूँ चाय जाके। मुझे क्या पड़ रही सीखने की, बुढ़े तू बनाओ तू, मैं ना बनाने की, मुझे बैठ के खाने की आदत है, करने की ना। बेटी चाय पी लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाया, लो नाश्ता कर लो। ठीक है अब्बू थैंक यू। हाय अल्लाह इसमें तो चीनी भी नहीं है, कहाँ फंस गई, अपने घर तो कॉफी चाय समोसे ब्रेड खाती थी और यहाँ घोड़े वाले चने लाकर रख दिए। अब्बू लो ले जाओ अपनी चाय, मुझे ना खानी है, पकड़ो। ऐसे भी कहीं चाय होती है? क्या बात होगी, कॉफी मैंने बनाई नहीं बेटी, कॉफी बनाने का मुझे नहीं पता। देख बेटी काम के देसी आदमी, हमें कॉफी बनाने का नहीं पता, तू बताओगे तो धीरे धीरे बना दूंगा फिर मैं कॉफी भी। कोई बात ना अब्बू, मैं तो पानी पी के ऐसे ही सो जाऊंगी। अरे अब्बा, अरे अब्बा खाना बन गया क्या, मुझे भूख लग रही है, जल्दी लेकर आ जा। ठीक है बेटा अभी लाता हूँ। अच्छा खाड़ा जुड़ गया हमारी जान को, पहले तो 2 का खाना बनाना पड़ा था, अब 3 का बनाना पड़ेगा। दिखे ये 14 अलग तक रहे, अच्छी मुसीबत आई, हमारे लौंडे का ब्याह अच्छा करवाया। लगो को खाने दिया हूं, बहुत चिल्ला रही। लो बेटी खाना खा लो। अब्बा तुम तो अचार भी लाए हो। कुछ भी हो बुड्ढे ने बहुत बड़े खाना बना रखा, साथ में चावल मोजी कर दी, अब पता चलेगा मस्त खम्मा। आ गए आप, आपके लिए खाना लिया हूं, अपने हाथों से बनाया है। ठीक है लिया। तुमने खा लिया खाना? हाँ खा लिया। और अब्बा ने? हाँ अब्बा ने भी खा लिया। खा लिया होगा, ये खाया नहीं। पता नहीं मुझे अब्बा बाहर होंगे। खाना कैसा लगा? खाना तो अच्छा बन रहा।
वालेकुम सलाम। अरे अब्बू जी, सलाम अलैकुम, बैठिए। बेटी, हमने आपको ये संस्कार नहीं दिए थे। आपने फोन नहीं किया, क्या बात हुई अब्बू? आप बिना बताए आ गए, सब खैरियत से तो है? बेटी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या अब्बू, मैंने क्या किया? हमारा सिंह भी बार बर्तन मांजना हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैंने तुम्हें संस्कार धोड़ दिए थे जो मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। अब्बू आप टेंशन न लो, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। बेटी, हम तो इस घर में पानी पीने लायक भी नहीं है, तुम तो नाश्ते की बात कर रही हो। अब्बू मुझे माफ कर दो। बेटी, तुम मेरी इज्जत रख ले, मेरे लिए बड़ी फखर की बात होगी। जाओ बेटा, चाय बना लो। और समझी साहब कैसे हो? सिमदेव जी, तुम्हारा बार देख कर मुझे बहुत जोर पड़ा। कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी नहीं हमारी बेटी है। और घर परिवार में सब ठीक है? हाँ, घर तो सब ठीक है। अब्बू मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत सताया, आज से कोई गलती नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, अल्लाह ने माफ करा तो हमने भी माफ करा। अरे इनकर मेरा किसने बंटा थोड़ा ही है। भाई साहब, तुम टेंशन मत लो, इनके से वो हमारा है ही कौन। देखो बेटी, ये होते हैं अच्छे संस्कार। ये तुम्हारे पापा है, हम तुम्हारे पापा नहीं है, तुम इनसे माफी मांगो। अब्बू मुझे माफ कर दो। कोई नहीं बेटा, हमने तुम्हें माफ किया। अरे अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा तुम कब आए? थोड़ी देर पहले आया भाई। अब्बू, क्या तुमने अब्बू को नाश्ता करवा दिया? अभी आए। अरे तुम ऐसे कैसे खड़ी हो, तुम नाश्ता बनाकर क्यों नहीं लाती? और हाँ अब्बू, मैंने कंपनी में अपनी बड़ा प्रोजेक्ट पास किया है और कंपनी ने खुश होकर मुझे 5 लाख रुपए इनाम दिए हैं। अब्बू अब हम भी शहर में रह सकते हैं। ये लो अब्बू। बेटे फातिमा। जी अब्बू। लो पैसे। अब्बू मैं पैसे की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, ये आप ही रखो। बेटे ये जिम्मेदारी तुम ही संभालो। नहीं अब्बू आप। बेटे तुम ही रख लो, ये जिम्मेदारी तुम ही संभालो। देखा बेटी, ऐसे संस्कार ढूंढने से नहीं मिलते हैं। आदमी दौलत के लालच में अंधा हो जाता है, अच्छा परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है। अब बेटी तुम्हें अल्लाह ने पैसे दे दिए हैं, अब तुम भी शहर में रह सकती हो हमारे साथ। चलो अब्बू, अब हम भी अब्बू के साथ चलते हैं, अब हम भी शहर में रहेंगे। वहीं एक फ्लैट लेंगे और मैं इसी में अपनी ड्यूटी अप डाउन करूंगा। हम भी अब शहर में रहेंगे अब्बू के पास में। वैसे बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा अच्छा लगा ऐसा करो, खुशी की बात है। पैसे के लालच में अपना घर बेकार मत करना जैसे मैंने करा। स्टोरी कैसी लगी लाइक करना और शेयर करना और कमेंट में जरूर लिखना, साथ में सब्सक्राइब भी करना।